कहाँ जा रहे हैं हम? भाई हम निकले हैं, टी शर्ट खरीदनी थी मेरे को जाने के लिए। 4 दिन में मैं बैंगलोर से जा रहा हूँ। बैंगलोर के लिए जा रहा हूँ? बैंगलोर जा रहा हूँ, पहले यहाँ से चंडीगढ़ जाऊंगा और फिर उसके बाद वहाँ से 10 तारीख को बैंगलोर जाऊंगा और 9 तारीख की रात में। तो अभी तक तो ये प्लान है, तो उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं टी शर्ट है। मेरे को टी शर्टें लेनी है, पर जबलपुर में कहीं कुछ कलेक्शन ही नहीं है। जबलपुर में बिना ट्रैफिक के सड़कें और अच्छी टी शर्टें नहीं मिलती हैं। कुछ नहीं मिलता है जबलपुर में, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब बंद है दुकानें आज। और चलो ढूंढते हैं फिर भी कुछ। ओके तो हम 2 वार्म अप सेट ले रहे हैं, इसके इंक्लाइन बेंच प्रेस के 2 वार्म अप सेट और फिर उसके बाद फ्लैट बेंच प्रेस पे 30-30 के डंबल्स से ट्राई करना है कि कितने रेप जाते हैं। अगर 5 से कम गए तो वह 27.5 पे आएंगे और 3 सेट मारेंगे उसके टिल फेलियर। तो अभी ये वार्म अप खत्म करते हैं, स्लो एंड स्टडी वार्म अप करना है, ज्यादा भारी भी नहीं जाना। या यप ट्राई करते हैं, इजी चला जाए। अगर 5 रेप के ऊपर चले गए तो फिर हो सकता है कुछ, पर लेफ्ट वाला शोल्डर में दर्द है अभी। आठ, पांच, इसके 2 सेट टिल फेलियर करेंगे, उसके बाद की बार रोइंग करेंगे, लाइट वेट फॉर मोर रेप्स और फिर वर्कआउट खत्म।
तो ये था हमारा चेस्ट और बैक का वर्कआउट, और अब बात यह है कि अब हमें यहाँ से जबलपुर से जाना है, क्योंकि मेरा मतलब प्लान था जबलपुर में रहने का अगस्त मिड या अगस्त एंड का, जिसमें मतलब वर्क फ्रॉम होम करने का ऐसा प्लान था मेरा। बट अब ऐसा हो गया है कि कंपनी, जिस कंपनी में काम करता हूँ, बुलाने लग गया। वैसे तो मुझे थर्ड को ऑफिस रिपोर्ट करना था, बट फोर्थ को मुझे चंडीगढ़ जाना है, क्योंकि दीदी और जीजी की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, उसके सेलिब्रेशन के लिए जाना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फोर्थ को यहाँ से निकल के चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एंड देन उसके बाद नाइन्थ को सीधे चंडीगढ़ से बैंगलोर चला जाऊँगा। तो ऐसे जबलपुर वाली लाइफ छोड़ के वापस जबलपुर बैंगलोर, तो उधर पर स्ट्रगल है क्योंकि ऑफिस जाना पड़ेगा दो तीन दिन हफ्ते में, तो उसको डील कैसे मैनेज होंगे, वर्कआउट्स कैसे मैनेज होंगे, तो वो सब आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी अगले ब्लॉग्स में से। एंड बाकी यहाँ अच्छा था कि खाली जिम मिल जाता था और खेल का प्लान जाता था, अब कुछ थोड़ा सा प्राइस वाइज भी थोड़ा सा कम था, तो हर चीज़ का तो थोड़ा मैनेज हो जाता था। बट वहाँ जाके करेंगे, देखते हैं कैसे होता है मैनेज। बाकी आपको अपडेटेड रखेंगे, आपके ब्लॉग्स आते रहेंगे। इस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।